The YouTube shown has a uniform cross section. A liquid is filled into two arms up to height H1 and H2. देखिए ये मान लीजिए आपका ये YouTube है, इसकी हाइट H1 और H2 तक है, तो इस कंडीशन में हमें दे रखा है। अब ये कह रहा है कि जैसे फ्री छोड़ दिया गया तो वैसे जब लिक्विड के लेवल इक्वलाइज हुए होंगे तब क्या हुआ होगा, तो ये रेस्ट पे होगा, मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी होगी, क्या होगा। तो हम यहाँ पर इस चीज को देखिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आ नहीं रहा है, केवल ग्रेविटी का फोर्स है, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, इसका यूज करेंगे। तो पहले इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो पहले में कितना मास है, पहले में जो मास है वो हो गया रो, डेंसिटी हो गई लिक्विड की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट हो गई H1, इतना मास है। और कितने डिस्टेंस पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, H1/2। इसी तरीके से रो ए दूसरे वाले का H2 एंड H2/2, जिसको हम लिख सकते हैं रो ए H1 जी कॉमन H1² प्लस H2²/2। ये हो गई आपकी सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हो गई रो ए जी H1² H2² / 2, दैट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जब ये इक्वलाइज हो जाएगा तब उस कंडीशन की बात कर लेते हैं जब ये इक्वलाइज हो जाता है। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरीका ऐसा है, अब जो इसकी हाइट होगी वो होगी आपकी H1 प्लस H2/2, ये हाइट होगी इसकी, ठीक है। तो अब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है U फाइनल, वो हो जाएगी रो, अब देखिए पहले वाले में कितना है, ये हाइट है, तो रो H1 प्लस H2, इतना वॉल्यूम हो गया पहले वाले में, और इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन H1 प्लस H2/2 इनटू G। सिमिलरली रो H1 प्लस H2, इसके सेंटर ऑफ सेकंड वाले का भी यही होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन H1 प्लस H2/2 इनटू G। रो ए जी H1 टू रो ए जी H1 प्लस H2² / अब देखिए ये क्या आ जा रहा है, दोनों में देखिएगा कहां से। अच्छा दूसरा पॉइंट बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हाइट H1 प्लस H2/2 होगी ना, तो ये भी आएगा यहां पे, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो / 4 पर होगा। यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है भाई, इसका हाफ होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ से H1 प्लस H2/4 पर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा रो ए जी H1 प्लस H2² / 4, ये फाइनल हो गई। अब देखिए फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा के यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस डेल्टा यू, और जो कि डेल्टा यू यानी कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल आपकी है रो ए जी H1 प्लस H2/2 माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल है आपकी रो ए जी H1 प्लस H2² / 4। आप देखें तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देख लेते हैं, यार रो ए जी बाई टू, इसको कॉमन ले लेते हैं, इधर हो जाएगा आपका 2H1² (2H2² - H1² - H2² - 2H1H2, ये आपका आ रहा है, ये हमने सॉल्व किया, और नीचे जो अपॉन में आया वो आ गया 2, और 2 को बाहर ले लेंगे तो ये कुल हो जाएगा, नेट हो जाएगा 4। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो इट कैन रिटेन एज रो ए जी H1 माइनस H2² / 4, इतना हो जाएगा, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। फिर से लिख देता हूं यहां पर मैं, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, टोटल मास क्या होगा, रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, टोटल लेंथ देखिए H1 H2 प्लस H है, इनटू वी स्क्वायर रो ए जी H1 माइनस H2 होल स्क्वायर / 4।
रो से रो ए से रो ए कैंसिल हो गया, और यहां देखिए क्या आ जाता है, यह आता है वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो जी बाई टू। अब देखिए एच वन माइनस एच टू का होल स्क्वायर, एच वन प्लस एच टू प्लस एच, और ये आ गया। अब ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई टू, एच वन प्लस एच टू, और ये आ जाएगा बाहर एच वन माइनस एच टू, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखते हैं कोई ऑप्शन में, यस द ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर।